1932 का डोमिसाइल वाली बात अभी तो झुनझुना प्रमाणित हो चुका है एक प्रकार से। लॉबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के ही विधायक हैं, वही 1932 लागू करो आंदोलन कर रहे थे। मैंने साफ पहले भी कहा है 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाना एक राजनीतिक स्टंट है, झुनझुना है, छलावा है। दूसरा, ये जो आरक्षण इस सरकार ने कैबिनेट में 14 सितंबर 2022 को पास किया कि 77% हम लोग आरक्षण देंगे, जिसमें ओबीसी का 27% है, तो अब ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लागू नहीं है। तीसरा कि नियोजन नीति अभी तक बनी नहीं है। इस पर हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला 14 सितंबर को केवल इतना किया, हम ये करेंगे, करने के बाद हम भारत सरकार को भेज देंगे, नवी अनुसूची में अनुशंसा करेंगे लागू करने का। ये सारी बातें ये प्रमाणित करता है हेमंत सोरेन सरकार जो है लागू करने वाली नहीं है। और ये जो आरक्षण का सवाल आपने कहा, नगर निकाय चुनाव में बिना आरक्षण लागू ये चुनाव होगा, यही प्रमाणित करता है कि हेमंत सोरेन की सरकार एक प्रकार से अक्षम है। ये ना डोमिसाइल लागू कर सकती है, ना आरक्षण लागू कर सकती है, ना नियोजन लागू कर सकती है। नियोजन पर हमारा सुझाव है, झारखंड सरकार में जितनी नौकरियां हैं सरकारी या गैर सरकारी, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए, 10% शहरी क्षेत्रों को, और ग्रामीण क्षेत्रों को जो आवंटित नौकरी होगी, मान लिया 1,00,000 नौकरी का 90,000 गांव को, 10,000 शहर को, उस 90,000 नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के केवल उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए, और 10% नौकरी 1,00,000 में 10,000 शहरी क्षेत्रों को, तो यहाँ कहीं भी खतियान आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, उसका मकान नंबर, घर, गांव, माता पिता, पंचायत सब जानते हैं। शहर में थोड़ी बहुत बंदरबांट हो भी जाए तो भी चलेगा, क्योंकि ना अन्यथा ना डोमिसाइल लागू होगी, ना आरक्षण लागू होगा, ना ये नियोजन नीति बनेगी। लेकिन ऐसा कर देने से 90 और 20-10 के अनुपात में वो सबको ना आरक्षण चाहिए ना खतियान चाहिए। जैसे आरक्षण पर भी मैं बात करूंगा, 1,000 नौकरी मान लिया नामकुम प्रखंड को मिला 90,000 में, तो 1,000 नौकरी जो प्रखंड में है वहां के जितने आवेदक हैं उनमें बांटना है, तो जो जाति के जितने लोग हैं उनको उसी अनुपात में दे दीजिए। मान लिया ओबीसी के लोग नामकुम में 60% है, तो 60% नौकरी 1,000 का वो ले लेंगे, एसटी 30 है तो 30 लेंगे, या अगली जाति के जो है वो भी ले लेंगे। तो ये जो बखेड़ा है राजनीति का, लोगों को बाहरी भीतरी ठेला ठेली और माने बेकूफ बनाने का, इसका पटाक्षेप हो जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।